चलो आओ जी। तो बच्चों आपके सब्जेक्ट का जो नाम है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक बातें, आप मेरे साथ नोट कर लेना। ये पोर्शन जो है ये आपके एग्ज़ाम में 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ये सब्जेक्ट है बेसिकली इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, सबसे पहले आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, यानी कि इसमें जो थ्योरी होती है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक्स में जो थ्योरी होती है वो तो रटने की ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें जो थ्योरी होती है वो समझने की ज़्यादा होती है। प्लस इसमें आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं जो स्टैटिस्टिक्स में नहीं बनाने पड़ते, तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको डायग्राम्स का भी बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। अब डायग्राम्स का रोल जहाँ पर आ गया तो इसका मतलब है कि आपको नीटनेस भी रखनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन भी रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी कई बार करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम मुश्किल भी हैं जो एक बार में आपको समझ में भी नहीं आएंगे और 10 बार बनाने के बाद भी 11वीं बार गलत बनेंगे, तो डायग्राम्स का भी रोल होगा इसमें। प्लस इसके अंदर बहुत सी जगह शेड्यूल्स बनाए जाएंगे, वो सब मैं सिखाऊंगा। शेड्यूल्स मतलब होता है टैबुलर फॉर्मेट, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ करते हैं जो आपको जैसे स्टैटिस्टिक्स में नहीं मिलता बनाने को, उसमें आपके आंसर्स या क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें एनालिटिकल होते हैं थोड़े से। तो ये सब्जेक्ट जो है ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उन बच्चों के लिए जिन्हें समझने में मज़ा आता है, जिन्हें समझ के पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, उनके लिए ये स्कोरिंग है। लेकिन जो हार्ड कोर रट्टू तोते बच्चे होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है, उनको थोड़े से उसमें नंबर कम आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे घुमा के पूछता है, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि इंपॉर्टेंस बता दो, लिमिटेशन बता दो, ऑब्जेक्टिव बता दो, वो सब नहीं आएगा, इसमें क्वेश्चन ही इनडायरेक्ट आएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट है। बाकी मैं इसके बारे में वैसे बता देता हूँ, तो इस पूरे 40 मार्क्स में आपके टोटल 4 यूनिट्स हैं, तो ये बस लिख लो, आपको पता होना चाहिए। इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके टोटल कितने यूनिट्स हैं जी? 4 यूनिट्स हैं। अलग अलग यूनिट्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं, वो सब बातें तो खैर आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम के लिए ये पता होना चाहिए कि यूनिट 1 जो है, जब आप ये स्टडी करोगे तो यूनिट 1 जो है ये होगा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। यूनिट 2 होगा 13 मार्क्स का। यूनिट 3 होगा 13 मार्क्स का और यूनिट 4 होगा 10 मार्क्स। ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से यूनिट्स की वेटेज है, सो दैट जब आप बाद में रिवाइज़ करोगे तो आपको पता रहेगा कि भाई किस यूनिट से कितने नंबर का आने वाला है क्वेश्चन और किस यूनिट में मतलब हमको पहले रिवाइज़ करना है या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। बाकी हम कैसे पढ़ाई करेंगे वो आप बड़े ध्यान से सुनना समझना। हम दो तरीक़ों से आपके साथ पढ़ाई करेंगे, तो आपको सिर्फ दो चीज़ें लेकर आनी है क्लास में। क्या क्या? एक लेकर आनी है आपको नया ताज़ा रजिस्टर, ठीक है। कितने पेज का? 200 पेज का। और एक लेकर आने आपको क्लास नोट्स जो आपको मिल ही चुके हैं, है ना, जो आपको अभी ये मिले हैं क्लास नोट्स। तो रजिस्टर के अंदर बेसिकली हम कुछ एडिशनल चीज़ें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वर्कशीट्स की प्रैक्टिस, वो सब भी करते रहेंगे। बाकी जो मेन स्टडी करेंगे वो क्लास नोट्स के अंदर करेंगे। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें लानी है, ठीक है। क्या क्या दोनों चीज़ें लानी है? रजिस्टर और क्लास नोट्स। बुक आपको कोई भी नहीं लेकर आनी और ना ही कोई बुक की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बस ये बेसिकली बातों का ध्यान रखना है। तो अब आप मेन नए पेज पर आ जाना अपने रजिस्टर के अंदर और उसमें लिखना हेडिंग इंट्रोडक्शन। तो
तो बच्चों जी, मैं आपके साथ जो सबसे पहले चैप्टर वन शुरू करूंगा, उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, रजिस्टर के अंदर इंट्रोडक्शन। चलो, तो सबसे पहले आपको लिखना है पेज के बीचों बीच इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है ये आपके सब्जेक्ट का नाम है ना, इकोनॉमिक्स। तो देखो प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स जो है ये कहाँ से डिराइव हुआ, किसी को पता है इकोनॉमिक्स? हाँ, वो ग्रीक वर्ड क्या था? तो इसके ब्रैकेट में लिखो सब प्यारे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स वर्ड जो आप सुन रहे हो ना, आज आप सब बोलते हो इकोनॉमिक्स, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। क्या था वो ग्रीक वर्ड? लिखो ओई को नो मिया, ओइकोनोमिया। ठीक है, तो अभी जो है तो है, अब क्या करें। तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था, वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का क्या मतलब होता है? ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड। ये बहुत पुरानी प्राचीन काल की परिभाषाएं हैं, प्राचीन काल की बातें हैं, मतलब पुरानी बातें हैं, कि इकोनॉमिक्स का जो ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमिया, वहाँ से वो चलते चलते आज इकोनॉमिक्स कहने लगे हम, लेकिन ये एक्चुअल में डिराइव हुआ था ओइकोनोमिया वर्ड से। और ओइकोनोमिया वर्ड का मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब घरेलू लोग। तो खैर, हमें ज़्यादा और डिटेल के बारे में, प्राचीन काल के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ मुझे आपको ये बताना है बच्चों कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है या इकोनॉमिक्स जो है, हम उसको दो तरह से डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्या क्या? बिल्कुल सही। नहीं तो आपको, हाँ, दो बाइफरकेशन करने। पहले में लिखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे में लिखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले में लिखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे में लिखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दो तरह की बच्चों इकोनॉमिक्स होती है बेसिकली, और आपको इसीलिए कोर्स के अंदर, आपके कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि क्लास 11th में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और क्लास 12th के अंदर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो आपका कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन करा गया है। अब माइक्रो और मैक्रो कहने का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, तो उस पर फोकस करते हैं। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल। बिल्कुल सही। तो आप इसके नीचे लिखना इंडिविजुअल, बादल बना के। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। तो क्लास 11th में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं और आप जितनी भी स्टडी करोगे, उसमें कोई इंडिविजुअल होगा, एक इंडिविजुअल यूनिट होगा, उसकी हम स्टडी करते हैं। लेकिन जब आप क्लास 12th में पहुंच जाओगे, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जिसमें आपकी स्टडी किस चीज़ की होती है, एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लेना नीचे, बादल के नीचे, इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल। एग्रीगेट, तो आपने क्या लिखा? तो मैंने तो सही लिखा था, आपको क्या दिख रहा था? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो गया जी इंडिविजुअल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया एग्रीगेट्स। ठीक है ना, एग्रीगेट्स का मतलब है इकोनॉमी एज अ होल। तो जब हम सबको मिलाकर स्टडी करते हैं, पूरी कंबाइंड स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम और भी बातें आपको सिखाएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन वो सिखाएंगे। लेकिन पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आपने इकोनॉमी वर्ड ये सुन रखा है? इकोनॉमी कहाँ सुन रखा है? न्यूज़ में सुन रखा है? कहाँ, मतलब कैसे सुना है?
अच्छा इंडियन इकोनॉमी ये हो गया वो हो गया, अच्छा ऐसे सुन रखा है इकोनॉमी, ठीक है। तो आपके हिसाब से इकोनॉमी वर्ड का क्या मतलब है? पैसे कमाना, अर्थव्यवस्था। हाँ तो प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ वर्क, अच्छा। और किसी ने इकोनॉमी वर्ड सुन रखा है या नहीं सुन रखा? अनुज भाई सुना हुआ है लेकिन आपको मीनिंग नहीं पता है ना। तो देखो अब मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बताता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस यूनिट के अंदर ना बेसिकली हम जब अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हमें इस यूनिट के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर एक तो ये सिखाया जाता है कि इकोनॉमी किसे कहते हैं, और इकोनॉमी में कुछ ना प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमी में कुछ समस्या होती है। जैसे हमारा जीवन है, हम सब बच्चे हैं, मैं हूँ या कोई भी इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल के साथ कोई ना कोई समस्या होती है, वो दुखी होता है, परेशान होता है। जैसे आप बच्चे स्कूल के होमवर्क से परेशान हैं या किसी भी रीज़न से परेशान हैं, तो इसी तरह इस चैप्टर में हमको पहले ये सिखाया जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हमें उसके बारे में स्टडी करनी है। तो अभी तो रजिस्टर में बस आपको इतना ही लिखना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर धीरे धीरे जब और एडिशनल बातें करेंगे तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब आप अपने नोट्स पे आना, अब आपको नोट्स निकालना है पेज नंबर वन। तो आगे की चर्चा हम अपने नोट्स के साथ करेंगे पेज नंबर वन से। तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना होता है कि इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होता है कि इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो देखो इकोनॉमी ये वन नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि किसे कहते हैं। तो देखो इकोनॉमी जो होता है वो एक सिस्टम होता है। इकोनॉमी क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो लोगों को दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखना है हमको। विच प्रोवाइड्स द पीपल क्या क्या? मीन्स टू वर्क। मीन्स टू वर्क का मतलब होता है कि वो लोगों को काम करने का साधन प्रोवाइड करता है, काम करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। जैसे हम हैं या मैं हूँ, मैं इंडियन इकोनॉमी में काम करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि मैं काम कर सकता हूँ। तो ये इकोनॉमी मुझे रिसोर्स प्रोवाइड करती है काम करने के लिए। अगर मान लो मैं किसी और इकोनॉमी में चला जाता तो हो सकता है वहाँ पर मेरे को इतने रिसोर्स ना मिलते। अगर मैं पाकिस्तान इकोनॉमी में चला जाता तो हो सकता है मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटी ना मिलते। तो इकोनॉमी जो होती है वो एक सिस्टम होती है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? मींस टू वर्क। और दूसरी चीज़ जो प्रोवाइड करती है वो है अर्न अ लिविंग, कि हम इससे पैसे कमा सकते हैं, जो आपने बोला था, है ना। तो इस सिस्टम को इकोनॉमी कहा जाता है। तो जैसे आप टर्म सुनते हो यूएस इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बोला था ना, तो अर्थव्यवस्था का मतलब ही ये है कि ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? काम करने का रिसोर्स और पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी। तो इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। अब इकोनॉमी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, मतलब ये एक अलग एंगल है जो मुझे पता है कि आपको शायद नहीं पता होगा कि भाई इकोनॉमी दो टाइप की हो सकती है। क्लोज्ड और ओपन, वेरी गुड। तो सब बच्चों को लिखना है मेरे साथ, ए में लिखेंगे हम ओपन इकोनॉमी। चलो तो इन्हें पता है, मित्र को हमारे, वेरी गुड। और दूसरी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये आप लिखना मेरे साथ साथ। दो तरह की इकोनॉमीज हो सकती हैं प्यारे बच्चों, एक को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी और एक को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इसके बारे में भी बताओ मेरे मित्र, तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, और क्लोज्ड इकोनॉमी? ठीक है, बिल्कुल सही। देखो पहले हम लॉजिक की बात करते हैं। अगर ये गेट हम यहाँ से बंद रखते हैं तो अब हम में से कोई बाहर भी नहीं जा सकता और बाहर से कोई अंदर भी नहीं आ सकता। इसी तरह इकोनॉमी अगर क्लोज्ड है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी किसी और इकोनॉमी के साथ रिलेशन नहीं रखती, ना तो हम सामान बाहर भेज रहे हैं ना बाहर से कोई सामान हमारे यहाँ आ रहा है। तो ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो अब आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आज के ज़माने में कोई भी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है? कौन सी? पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, रिस्ट्रिक्टेड है फिर भी। और कोई एग्जांपल, कोई ऐसी इकोनॉमी जो आपको लगता है कि इसका तो दुनिया से किसी से भी कोई लेना देना नहीं है?
है कोई? हाँ, क्लोज्ड कौन सी इकोनॉमी है, वही पूछ रहा हूँ। है क्लोज्ड इकोनॉमी कोई? नहीं होती, ऑलमोस्ट सारी ही इकोनॉमियाँ ओपन है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा ओपन है, कोई थोड़ा कम ओपन है, किसी ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज के ज़माने में कोई भी इकोनॉमी क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। तो ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ना, ये मतलब वैसे प्रैक्टिकल नहीं है। और ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है? ओपन इकोनॉमी इंडिया, यूएसए, जापान, सारी, मतलब जो आप सोच सकते हो, यानी कि जिनका इकोनॉमिक रिलेशन रहता है दूसरी दूसरी इकोनॉमीज के साथ, उनको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो ये लाइन आपको मेरे साथ साथ लिखनी है। तो ओपन इकोनॉमी में लिखना डैश डाल के, विच हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर इकोनॉमीज, विच हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर इकोनॉमीज, ऐसी इकोनॉमियाँ जिनके इकोनॉमिक रिलेशंस हैं दूसरी इकोनॉमियों के साथ वो ओपन हैं, यानी कि जो बाकियों के साथ रिलेशन रखती हैं। और क्लोज्ड इकोनॉमी में लिखना है विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर्स, जिनका कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है दूसरों के साथ, तो इसका मतलब कि वो क्लोज्ड इकोनॉमीज हैं। तो इकोनॉमी, सबसे पहले आपको टर्म सिखाया जाता है कि इकोनॉमी क्या होता है। तो इकोनॉमी वर्ड समझ आया कि क्या होता है? तो इकोनॉमी, अब आप बताओ अपने मुंह से, क्या होता है? सिस्टम होता है जो क्या दो चीज़ प्रोवाइड करता है, मीन्स ऑफ वर्क, अर्न अ लिविंग। और अगर आपके रिलेशंस हैं दूसरी इकोनॉमियों के साथ तो ओपन, और नहीं है इकोनॉमिक रिलेशन तो क्लोज्ड। तो समझ आया पहला टर्म? तो ये होता है इकोनॉमी। फिर दूसरा बहुत ही छोटा टर्म है, इसका नाम है स्केरसिटी। तो स्केरसिटी का मतलब पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा। लैक ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, क्या 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 बोला? लैक ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, अच्छा सही, तो दोनों कन्याओं ने सही बोला। इनकी दोनों की बातों को मिक्स करके मतलब इन्होंने ये कहा कि जब ह्यूमन वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन रिसोर्स जो है वो कम होते हैं, तो हम इस चीज़ को स्केरसिटी कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, यही डेफिनेशन है। स्केरसिटी का मतलब होता है कमी किसी भी चीज़ की। तो इकोनॉमिक्स में स्केरसिटी को हम ऐसे बताते हैं कि जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा हो, जैसे आपको कोई चीज़ चॉकलेट्स खरीदनी है, आपको 100 चॉकलेट्स खरीदनी है, आप शॉप पे गए, आपने कहा भैया मुझे 100 चॉकलेट्स दे दो, लेकिन शॉपकीपर कह रहा है कि हमारी दुकान पे तो खाली 5 है, तो इसका मतलब कि कमी है, चॉकलेट्स की कमी है, स्केरसिटी है। तो जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो हम उसको बोलते हैं स्केरसिटी। तो इसमें आपको लिखना है मेरे साथ एग्जैक्ट डेफिनेशन स्केरसिटी की, कि वेन देयर इज हायर डिमांड ऑफ रिसोर्सेज देन इट्स सप्लाई, वेन देयर इज हायर डिमांड ऑफ रिसोर्सेज देन इट्स सप्लाई। तो इसमें आप अंडरलाइन कर लेना, हायर डिमांड ऑफ रिसोर्सेज को, ये इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ब्लॉक ही बना देता हूं। तो स्केरसिटी का मतलब होता है हमेशा कि रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है। स्केरसिटी का क्या मतलब होता है? कि रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केरसिटी। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बना लेते हैं हम एक स्टार।
इस पॉइंट का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है पहले वो बताते हैं आपको। पहले आपको इकोनॉमी समझ आया, इकोनॉमी वो तो समझ आया ना, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो होती है उसमें एक समस्या होती है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है, दो वो वाली नहीं है, यहाँ एक ही प्रॉब्लम होती है। तो अपने को बादल बनाना है सब बच्चों को। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आप सब बच्चे तीन बार अपने मुंह से रिपीट करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है ना। अच्छा पहले इसको समझते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसे कहते हैं। अब आपके पास दो जीन्स हैं, जीन्स, ठीक है जी। एक है ब्लैक कलर की और एक है ब्लू कलर की। अब आपको तैयार होना है, आप यहाँ पर ये सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो कि कौन सी जीन्स पहनो, है ना। सिंपल, ये तो एक नॉर्मल आम जीवन का मतलब पॉइंट है, एग्जांपल है ना। अब इसमें ध्यान से समझना, जब आपको दो चीज़ों की अवेलेबिलिटी है ना, आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, दो चीज़ों की, लेकिन आपको पता है कि आप एक साथ वो दोनों चीज़ें नहीं कर सकते, तो आपको उन दोनों में से क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी आपको ये चूज़ करने की समस्या आ जाती है तो इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब ये होता है कि जब आप अपने नॉर्मल जीवन में किसी प्रॉब्लम, किसी चीज़ को चूज़ करना चाहते हो तो इसका मतलब वो क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आपने बहुत सारे टेस्ट्स दिए होंगे, क्वेश्चन पेपर्स आपने देखे होंगे, कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको पहले एक क्वेश्चन दिया होगा और करके दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, तो फिर क्या होता है उसमें आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन आप दोनों को सॉल्व तो नहीं कर सकते, दोनों में से एक को करना होता है। तो उस समय एक प्रॉब्लम रहती है कि भाई मैं दोनों में से कौन सा करूँगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। तो इकोनॉमी के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। तो ये कहना चाहता है, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इसी के आगे लिखा है विच अराइजेज ड्यू टू, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। तो इसके मैं आपको तीन रीजंस सिखाऊंगा बेसिकली, जिस पर हमें आगे अभी डिस्कशन भी करना है कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। तो इसके बच्चों तीन रीजंस होते हैं, क्या क्या, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव। ये तीन रीजंस होते हैं। तो पहले तो हम ऊपर ये तीनों को एज इट इज लिख लेते हैं, फिर इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ए में लिख लेते हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स। हाँ बी लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर आगे पीछे कर लेंगे। बी लिख लेते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, और सी लिख लेते हैं रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब हमारा मेन काम है इसको समझना कि आखिर ये क्या है, ये तीन रीज़न क्या हैं और क्यों इनकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो रहा है। तो पहले मैं सीधा इनके बारे में आपको लिखवाऊंगा नहीं तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि आप, मैंने लिखा आपने रट लिया। तो पहले हम कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल से, बिल्कुल लॉजिकल एग्जांपल से इस बात को समझेंगे, प्रूफ करेंगे। जब आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ सर आपने बात सही कही, तब हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको तब तक सुनना है, बस ध्यान से अलर्ट रहना है, फिर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो बताते रहना है।
चलो तो अब देखो जी, आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि आज आपका बर्थडे है, आज आपका क्या है, जन्मदिन है, तो आपको मम्मी ने कहा कि ये लो बेटे या बेटी जो भी है, 5,000 रुपये हमारी तरफ से बर्थडे गिफ्ट, और अब आप पूरे दिन भर जो मर्जी करो। एग्जांपल है तो मैं ले लेता हूँ ऐसे। तो अब जो है आपके कुछ वांट्स होंगे, वांट्स का मतलब होता है इच्छाएं, वांट्स का मतलब क्या होता है, इच्छाएं, है ना, आपकी कुछ इच्छाएं होंगी, तो आपको कुछ 2-4-5 बतानी है मुझे, जो भी आपको अभी दिमाग में आ रही है कि आपकी क्या इच्छाएं हैं। शॉपिंग, ओके, पार्टी, ओके, गेमिंग, ओके, मूवी, ओके, फूड, खाना, तो पार्टी में क्या हो रहा है, अच्छा कार्ड, ओ अच्छा वो डांस पार्टी है, अच्छा स्टेज, बर्थडे पे तुम कौन सी स्टेशनरी, केक तो वो पार्टी के साथ ही हो गया ना, चलो लेकिन डेकोरेशन वो भी पार्टी में हो गया, मतलब बड़ी पार्टी हो रही है कोई बहुत बड़ी, केक तो लेना पड़ेगा, केक यार एक केक अलग से जो सिर्फ हम खाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, और क्या वांट्स, हाँ क्योंकि एक तो वेस्ट हो जाएगा, एक तो वेस्ट हो जाएगा, मुंह पे लगा जाएगा, और क्या वांट्स हो सकते हैं, तो वैसे तो सारी हो गई, मूवी हो गया, खाना हो गया, पार्टी हो गई, शॉपिंग हो गई, बस चलो ठीक है, मान लेते हैं चलो ये वांट्स हो गए, ठीक है। अच्छा तो देखो मतलब इतनी सारी जो वांट्स हैं, इतनी सारी जो वांट्स हैं, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चलो आप इन सारी वांट्स के, इन सारी वांट्स के अब ये बताओ कि अगर आपको ये सारी वांट्स फुलफिल करनी हो, लेट्स मतलब मैं इन सारी वांट्स को कह देता हूँ कि ये सारी आपकी वांट्स हैं, ऑल द वांट्स, अब आपको अगर ये अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी है, फुलफिल करनी है, तो इसमें आपको कितना रिसोर्स लगेगा वो हम लिख लेते हैं, रिसोर्स मतलब कितने पैसे लगेंगे। तो जैसे आपको शॉपिंग करनी है अगर, तो आप 3,000 रुपये शॉपिंग में लगेंगे मान लेते हैं, पार्टी करनी है तो पार्टी में 10,000 रुपये लग जाएंगे, गेमिंग में कितने रुपए लग जाएंगे, 5,000, मूवी देखने जाओगे दोस्तों के साथ, तुम्हारे ज्यादा कितने सारे दोस्त हैं, फिर खाना कितने का खाओगे, और स्टेशनरी कौन खरीद रहा था, 10, और केक, चलो राउंड फिगर कर लेते हैं एक, तो राउंड ऐसे कर लेते हैं 990 कर लेते हैं, राउंड ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये आपके हो गए कि जो आपकी वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये आपके रिसोर्सेज हो गए, है ना, टू सेटिस्फाई योर वांट्स। अब देखो हमें इस एग्जांपल को फिट इन करेंगे अपनी बातों के अंदर। आप अगर देखो कि आपके पास जो रिसोर्स है, जो आपके पास अभी है वो कितना है, 5,000, ये जो आपके पास मनी है इट इज योर रिसोर्स, आपके पास अभी कितने रुपए हैं, 5,000, तो ये आपका क्या है, रिसोर्स है, ठीक है ना। अब आपकी जो वांट्स थी कि सर हम बर्थडे है तो हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, तो अगर मैं वांट्स को देखूं और आपके पास जो रिसोर्स हैं उसको देखूं, तो क्या आप सारी वांट्स अपनी सेटिस्फाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। तो जो पहला रीज़न होता है ना वो ये होता है कि इंसान की इच्छाएँ जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, इसीलिए आपको हमेशा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहेगी। या तो कोई बच्चा, अगर आप शुरू में मेरे से कहते कि सर हम अपनी वांट्स बता रहे हैं, हमारी वांट्स क्या हैं, और बच्चा कहता सर मेरी वांट है कि मुझे सिर्फ मूवी देखना है बस, वो और कुछ ना बताता, तो उस बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसको पता है मुझे क्या करना है, मूवी देखनी है। आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों हो रही है, क्योंकि आपको खाली मूवी नहीं देखनी,
आपको मूवी भी देखना है, गेमिंग भी करना है, पार्टी भी करना है, शॉपिंग भी करना है, खाना भी करना है, केक भी करना है। तो क्योंकि आपकी वॉन्ट्स इतनी ज़्यादा हैं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहेगी। पॉइंट समझ आ रहा है आपको कि आपकी वॉन्ट्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आपको क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। अब आपको पता है कि क्या आप सारे काम कर सकते हो? नहीं। तो अब आपको चूज करना है। चलो तो चूज करके बताओ। पार्टी तो कर ही नहीं सकते। चलो तो एक तो फूड हो गया 2000 का, केक हो गया और मूवी हो गई। अब तो शॉपिंग हो ही नहीं पाएगी। 10 रुपए की स्टेशनरी खरीद लो, या नहीं तो फिर ये कि या फिर मूवी हटा दो और शॉपिंग कर लो। चलो मूवी हटा देते हैं। अरे हाँ, केक भी तो खाना है। बस फूड और शॉपिंग, केक नहीं खाना। श्योर? अच्छा, तो मतलब बस फूड, ठीक है। तो दुकानदार से कहेंगे कि फूड के साथ केक फ्री कर दो। चलो ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपकी सारी वॉन्ट्स तो फुलफिल नहीं हो सकती। अब आपकी सिर्फ कौन सी वॉन्ट्स फुलफिल हो पा रही हैं? शॉपिंग और फूड। तो इसका मतलब आपने चॉइस करी, आपने कुछ वॉन्ट्स को छोड़ दिया। जो चीज़ें कुछ आप करना चाहते थे वो आप नहीं कर पा रहे। तो जो दूसरा रीज़न कहा जाता है इसका कि भाई ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपको इसलिए हुई क्योंकि आपके पास सिर्फ कितने रुपए हैं? 5000। अगर ये 5000 की जगह मैं बोलता कि आपके पास हैं 50,000 तो आप सब कर लेते, तो वो भी कर लेते, तब भी बच जाते। हाँ, तो इसीलिए दूसरा रीज़न पता है प्रॉब्लम आने का क्या होता है, चॉइस की प्रॉब्लम आने का, कि आपके पास जो रिसोर्स होता है वो लिमिटेड होता है। और ये जीवन की भी सच्चाई है, आपके पास रिसोर्सेज जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? कम होंगे, लिमिटेड होंगे। लेकिन आपकी वॉन्ट्स जो होंगी वो क्या होंगी? हमेशा ज़्यादा होंगी। तो इससे दो पॉइंट्स बनते हैं। पहले वो दो पॉइंट्स मुझे बताना कि आपको समझ आए। जैसे पहला पॉइंट तो है लिमिटेड रिसोर्सेज, और तीसरा पॉइंट जो यहाँ नीचे लिखा है अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट। तो पहले ये दोनों क्लियर हुए कि आपकी वॉन्ट्स जो है वो हमेशा क्या होंगी? अनलिमिटेड। लेकिन आपके पास जो रिसोर्स होंगे वो क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। तो पहले हम इन दोनों के बारे में लिख लेते हैं। तो पहले हम लिमिटेड रिसोर्स के बारे में लिख लेते हैं। तो इसमें आप लिख लो डैश डाल के प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज रिसोर्सेज आर not enough, resources are not enough to satisfy each and every want of individuals. Simple. कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज हो रही है, या ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए अराइज हो रही है क्योंकि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं? नॉट इनफ, मतलब कि लिमिटेड है, कम है, हमेशा सीमित हैं, नॉट इनफ। और क्या सेटिस्फाई करने के लिए कम है? ईच एंड एवरी वॉन्ट, वही। तो आपकी जो इच्छाएँ हैं, आपके जो वॉन्ट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं। तो पहला रीज़न हो गया लिमिटेड रिसोर्सेज। और फिर तीसरा वाला भी लिख लेते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स का। इसमें लिखते हैं डैश डाल के कि भाई ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड इट इज अ never ending cycle full stop after
सेटिस्फैक्शन ऑफ वन वॉन्ट आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ वन वॉन्ट कॉमा अनादर वॉन्ट emerges after satisfaction of one want another want emerges. तो देखो दो बातें तो सीधी सीधी क्लियर हो गई कि आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, ये लिखा है यहाँ पर कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड इट इज़ नेवर एंडिंग साइकिल, और ये कभी ख़त्म भी नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार पार्टी करके आ गए, एक बार खाना खा के आ गए, एक बार केक खा लिया तो आप सोचो कि मैं ज़िंदगी भर नहीं खाऊंगा, तो आपका फिर दोबारा मन कर जाएगा। तो इट इज़ ए नेवर एंडिंग साइकिल। आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वन वॉन्ट अनादर वॉन्ट इमर्जेस, एक वॉन्ट सेटिस्फाई होती है तो फिर आपकी कोई नई दूसरी वॉन्ट इमर्ज हो जाती है। तो पहले सब बच्चे बताना कि आप फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट को अच्छी तरह समझ गए रीज़न लॉजिक के साथ आपके एग्जाम्पल से। अब जो बीच में एक रीज़न और लिखा है, सेकंड रीज़न, वो क्या लिखा है वो समझा देता हूँ। सेकंड रीज़न में ये बताई गई है बात कि जो हमारे पास रिसोर्स होता है, अब आपके एग्जांपल में रिसोर्स क्या है बताओ? पैसे। वेरी गुड, मनी है ना। अब ये जो 5,000 रुपये आपके पास है, ये जो आपका रिसोर्स है, अब इसके क्या हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है कि भाई जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा जगहों पर उपयोग की जा सकती है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से भी ले लेता हूँ। पहले लेट से कि आपके पास एक बुक है, किताब है, टेक्स्ट बुक है। अब बुक जो होती है, बुक उसका जो यूज़ है वो क्या है? पढ़ाई करना। उस बुक का क्या यूज़ है? पढ़ाई करना। उस बुक का कोई और अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है। वो तो वैसे सोचने के लिए हाइपोथेटिकली कुछ भी बोल दो कि सर बुक को हम किसी के ऊपर फेंक के मार सकते हैं, है ना, ये यूज़ कर लेंगे हम, वो कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन बुक अगर बनी है तो बुक का यूज़ क्या होगा? सिर्फ पढ़ने के लिए। तो बुक के कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है। तो वहाँ पर आपको पता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी चॉइस की। क्यों नहीं आएगी चॉइस की? क्योंकि उसका आप कुछ और कर ही नहीं सकते। आप जब भी बुक उठाओगे तो आपको पता है पढ़ना है, क्योंकि उसका कोई और यूज़ है ही नहीं। लेकिन आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब आएगी? जब कोई आपको 5,000 रुपये देगा। जब कोई आपको 5,000 रुपये देगा तो आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप 5,000 रुपये में अलग अलग काम कर सकते हो। जैसे आपको अभी प्रॉब्लम आई भी थी, इनफैक्ट आपने कभी शॉपिंग को कटवा के फूड लगवाया, कभी केक को कटवा के पार्टी लगवाया, तो ये इसका मतलब आप प्रॉब्लम में थे, आप प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में थे। आपको चूज़ करना पड़ रहा था कि हम 5,000 रुपये का क्या करें, क्योंकि इस 5,000 रुपये के वेरियस यूजेस थे। तो प्रॉब्लम हमेशा चॉइस की कब आती है? जब आपके रिसोर्स के क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस। समझ आया पॉइंट? तो रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस होने का मतलब होता है कि भाई इस रिसोर्स को जब आप मल्टीपल जगहों पर यूज़ कर सकते हो तो उसको बोला जाता है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। समझ आया पहले पॉइंट? तो अब इसके बारे में भी लिख लो एक सेंटेंस डैश डाल के कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, दैट इज व्हेन एन इंडिविजुअल चूजेस वन ऑप्शन देन दैट रिसोर्स will not be available for other uses, then that resource will not be available for other uses। और इसमें हम एक example भी लिखते हैं
और वो एग्ज़ाम्पल हमें, मतलब आप बच्चे पहले बताएंगे कि कोई ऐसा रिसोर्स बताओ जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। फ़ोन, फ़ोन के क्या क्या यूजेस हैं? अच्छा, अल्टरनेटिव वैसे यूजेस हैं, ठीक है। मनी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल के भी वेरियस यूजेस हैं, ठीक है। तो इसमें लेकिन हमें ना पता है कौन सा एग्जांपल लिखना है, एक ऐसा एग्जांपल लिखना है जो हमारे इकोनॉमी के हिसाब से रिसोर्स हो, इकोनॉमी के एंगल से। हम पेट्रोल लिख सकते हैं, और कोई सोचो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर लिख सकते हैं, पावर हो गया। वाटर लिख सकते हैं, है ना, लैंड लिख सकते हैं। तो इस तरह के आपको इकोनॉमी के हिसाब से एग्जांपल्स लिखने हैं। जैसे ज़मीन है, तो ज़मीन पर बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, या तो स्कूल बनाया जा सकता है, या फिर हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, या घर बनाया जा सकता है। तो लैंड के वेरियस यूजेस हो सकते हैं, या जैसे आपने बोला पावर या पेट्रोल, कुछ भी, ये भी लिख सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज जो हैं, इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी कि इनके अलग अलग यूजेस हैं। तो बोलो जी, समझ आया पहले सब बच्चों को? तो एक बार मेरे साथ रिपीट करना है आपको जी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो एक बार और बोल दो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? वेरी गुड। फिर क्वेश्चन पूछेगा, इसके तीन रीजन बताओ क्यों है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। पढ़ाई कर रहे हो बातें, चलो अब ध्यान से पढ़ो। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये पूछेगा कि रिसोर्सेज के दो फीचर बताओ। क्वेश्चन ये पूछेगा कि रिसोर्सेज के दो फीचर बताओ। पढ़ो पहला पॉइंट क्या लिखा है और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है। हाँ, तो इन दोनों के बाजू में यहां लिख लो कि भाई दीज टू आर फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि रिसोर्सेज के फीचर बताओ। तो रिसोर्सेज के दो फीचर हैं, बोलो अपने मुंह से क्या क्या। हाँ, लिमिटेड रिसोर्सेज और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों को हम कहते हैं फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के दो फीचर्स हैं, ठीक है, समझ आया पहले? अब देखो, अब एक और चीज़ इसी एग्जांपल से, आपके वाले बर्थडे के 5,000 रुपये के एग्जांपल से। तो अब मैं इसमें सारी मुद्दे की बात आपसे करता हूँ, बाकी सब बातें हटा देता हूँ। अल्टीमेटली आपने बताओ 5,000 रुपये का क्या करा? अल्टीमेटली शॉपिंग करी और खाना खाया। तो मैं बाकी चीज़ें अब हटाई दूँ, है ना? अब तो बेकार हो गए, अब तो क्यों उनको देख के खून जलाएं, है ना? तो इसका मतलब आपने सारा दिमाग दुमूक लगा के, सब ये सब चॉइस वॉइस करके, अल्टीमेटली आपने अपने 5,000 रुपये का क्या करा? शॉपिंग करी और खाना खा लिया। तो जब आप अपने हिसाब से अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करते हो कि भाई आपको लगता है कि मैंने देखो बिल्कुल सही यूटिलाइज कर लिया, मैंने पूरे 5,000 रुपये खर्च कर दिए और मैंने अपने हिसाब से अब मज़ा आ गया, 2,000 रुपये का मैंने खाना खा लिया, 3,000 रुपये की मैंने शॉपिंग कर ली, यानी कि मतलब इसको बोल सकते हैं इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपने अपने 5,000 रुपये को यूज़ कर लिया। अच्छा, अगर मान लो आप खाली लेट से 4,000 यूज़ करते और 1,000 रुपये बच जाते, तो क्या आपको सही लगता? नहीं लगता, क्योंकि इसका मतलब होता कि आपने जो है एफिशिएंट यूज़ नहीं करा अपने रिसोर्स का। जेब में तो डाल लिए, लेकिन आज बर्थडे था, आज खर्च कर देते तो मज़े आ जाते। अब घर जाओगे 1,000 रुपये तो मम्मी वापस ले लेंगे। वो हो नहीं सकता ना, वांट्स क्या थी, भूल गए ना, वांट्स क्या थी आपकी? नहीं नहीं नहीं, वो तो हम ऑनेस्ट हैं।
तो क्या आप 5,000 में से 4,000 ही खर्च करते? नहीं करते ना। तो हम हमेशा अपने रिसोर्सेज को जब यूटिलाइज करते हैं तो एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवली करते हैं। तो दो शब्द बोलो जी, कैसे करते हैं? एफिशिएंसी से और इफेक्टिवली, एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली। तो एक बार दोबारा बोलो, आपने अपने रिसोर्स को कैसे यूज करा? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। वेरी गुड। तो जब भी आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करते हो तो उसे बोला जाता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोला जाता है? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो ये आपका छोटा सा पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है। तो देखो इसके बारे में क्या दे रखी है अंग्रेजी, इट मीन्स एलोकेटिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इकोनॉमी प्रोड्यूसेस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको अंडरलाइन कर लो, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज को, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स, दैट इज के बाद पढ़ो क्या दे रखा है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जब इकोनॉमी जो होती है अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज करती है तो हम उसे बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। जैसे आपने अपने 5,000 रुपए को बिल्कुल इफेक्टिवली और बिल्कुल एफिशिएंटली खर्च करा, तो इसका मतलब आपने क्या करा? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज करा। तो लास्ट पॉइंट पे आने से पहले एक बार दोबारा से शुरू से रिवाइज कर दें। तो इकोनॉमी का मतलब बताओ जी, इकोनॉमी का मतलब मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, ठीक है। स्केरसिटी का मतलब, बिल्कुल सही, डिमांड जो है वो ज्यादा होती है रिसोर्सेज की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वेरी गुड। और उसके पीछे तीन रीजन क्या हैं? हाँ, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। और लास्ट पॉइंट भी ये बता दो, अगर आप अपने रिसोर्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर रहे हो तो मतलब इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। चलो ठीक है जी, तो बस लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं फिर आज का कार्य समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट जो पॉइंट हमें आज लिखना है वो है बेसिकली एक डिफरेंस है जो एग्जाम में हमसे पूछ लेता है कभी कभी 3 मार्क्स का। तो ये डिफरेंस आपको पूछता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो पहला पॉइंट तो आपको पढ़ाते पढ़ाते ही समझा दिया था, है ना? तो बस इसमें हम कुछ कुछ बातें लिखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करता है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स में, है ना? तो आप हाईलाइट कर लेना बस। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस में डील करता है? इकोनॉमी एज अ होल, है ना, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट। तो चाहे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा कोर्स आगे जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं वो होते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। तो आप इन दोनों को ब्लॉक कर लेना। तो मेन टूल्स आर इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक में टूल्स होते हैं वो होते हैं देखो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि दोनों के आगे एग्रीगेट वर्ड लग गया। तो जब भी एग्रीगेट वर्ड लग जाता है तो आप समझ जाएंगे कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 1 नंबर के MCQ में भी पूछता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को घर में मम्मी प्यार से क्या बुलाती हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, इसका घर का नाम क्या है? नहीं, तो यही तो याद रखना है, इसीलिए लिखना है, इसका घर का नाम है प्राइस थ्योरी। अच्छा हाँ, मतलब ये याद था आपको, अच्छा हाँ, तो याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 1 नंबर MCQ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के घर का नाम क्या है? बिल्कुल सही है।
इसका घर का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बहुत बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में वन नंबर में पूछ लेता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम क्या है, तो प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम क्या है, तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद, ये हम पढ़ेंगे आगे जाकर, चैप्टर आएगा, तो इट इज कंसर्न्ड विद प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इसको ब्लॉक बना लेना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि आप ये जैसे मोबाइल फ़ोन देख रहे हो, तो अब इसका कुछ प्राइस है, तो वो प्राइस कैसे पता लगता है, वो प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ये तो आप सोच रहे हो अभी, ये भी आप सोच रहे हो अभी। हाँ, तो ये तो अभी आप सोच रहे हो अभी की अपनी नॉलेज के हिसाब से, लेकिन आपको यूनिट फोर में प्रॉपरली सिखाया जाएगा कि प्राइस डिटरमाइन होता कैसे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड अबाउट प्राइस डिटरमिनेशन, तो ये हम तब सीखेंगे वैसे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद, वो किससे कंसर्न होता है, होल। हाँ, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो मैंने आपको क्या दिखाया था, फोन, फोन का प्राइस, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसके प्राइस की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी में जो ओवरऑल प्राइसेस हैं उनकी बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो हमेशा किससे कंसर्न होती है, होल इकोनॉमी से, पूरी इकोनॉमी से। और लास्ट इसका एग्जाम्पल है, वही इसी का एक्सटेंशन, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने आपको मोबाइल फोन दिखाया, तो मोबाइल फोन का प्राइस जो होगा वो किसका एग्जाम्पल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल, मतलब कि आम सारी चीज़ों का मिलाकर एक जनरल प्राइस लेवल, तब वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे आप न्यूज़ में सुनते हो, न्यूज़ में ऐसा आता है महंगाई बढ़ गई, ये सुना है आपने, लेकिन ऐसा नहीं सुना होगा कि एप्पल का आईफोन महंगा हो गया, वो न्यूज़ में नहीं आता, वो तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है। तो न्यूज़ जो बनाई जाती है वो पूरी इकोनॉमी एज अ होल के हिसाब से बताते हैं कि प्राइजेस जो हैं वो बढ़ गए, यानी कि जनरल प्राइस बढ़ गए या कम हो गए। तो जब हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो एक प्रोडक्ट की बात का मतलब है कौन सी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, तो कौन सी इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ठीक है जी, क्लियर हो गया भाइयों बहनों सबको? तो किसी को कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, सारे चारों पॉइंट समझ आए अच्छे से? चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, डन फॉर द डे, छुट्टी।